झारखंड के धनबाद स्थित विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के कुलपति पवन पुद्दार का बेटा व भागलपुर के खलीफाबाग स्थित बीईयू सैलून किराए पर लेकर संचालन करने वाले हार्दिक पुद्दार सहित चार युवकों को उत्पाद विभाग की टीम ने शराब के नशे में गिरफ्तार कर लिया। सैलून में ही चारों के शराब के नशे में होने की सूचना पर उत्पाद विभाग एसआई नितिन कुमार के नेतृत्व में टीम पहुंची और चारों को नशे में पकड़ा। जांच कराने पर उन्हें शराब के नशे में पाया गया। सैलून आई महिला ग्राहक के परिजन ने वहां के संचालक और अन्य युवकों के नशे में होने की शिकायत की थी। उत्पाद विभाग की टीम ने पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए लोगों में वीसी के बेटे हार्दिक के अलावा बक्सर जिले के नवानगर के रहने वाले अभिषेक कुमार तिवारी, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर गहमर के रहने वाले प्रेमजीत कुमार और सुल्तानगंज महेशी के रहने वाले सिकुंद कुमार को गिरफ्तार किया गया। उत्पाद विभाग के अधीक्षक प्रमोदित नारायण सिंह ने बताया, गिरफ्तार किए गए चारों आरोपियों को कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हार्दिक पुद्दार ने पूछताछ में बताया कि वो धनबाद स्थित विनोद बिहारी महतो कोलांचल विश्वविद्यालय कुलपति पवन पुद्दार का बेटा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरान नालंदा में केंद्रीय विश्वविद्यालय के नए कैंपस के उद्घाटन और उसके खंडर का बारीकी से निरीक्षण करने के बाद अब कभी देश विदेश में ज्ञान की रोशनी फैलाने वाले भागलपुर के कहलगांव अंतिचक स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किए जाने को लेकर भागलपुर के सभी सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों इतिहासकारों और दल के दलदल से ऊपर उठकर लोग सत्याग्रह पर बैठ गए हैं। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने नालंदा विश्वविद्यालय के साथ साथ विक्रमशिला विश्वविद्यालय को एक साथ जीवंत किए जाने और विकसित किए जाने को लेकर 2014 ईस्वी में घोषणा की थी। प्रधानमंत्री की घोषणा के 10 वर्षों के बाद नालंदा विश्वविद्यालय तो बनकर तैयार हो गया है, लेकिन अब तक राज्य सरकार और जिला प्रशासन की उदासीनता के कारण 8वीं शताब्दी में पाल राजवंश द्वारा स्थापित विक्रमशिला विश्वविद्यालय के खंडर को पुनर्जीवित किए जाने को लेकर कोई पहल नहीं दिख रही, जिससे लोगों में आक्रोश भी देखा जा रहा है। स्थानीय बुद्धिजीवी राज्य सरकार और केंद्र सरकार से बिहार और देश में क्रांति ले जाने को लेकर विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पुनर्स्थापना की मांग लोग कर रहे हैं। विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य और विक्रमशिला को बौद्ध सर्किट से जोड़ने हेतु हमारा हवाई जहाज सेवा संघर्ष समिति ने एक दिवसीय अपना यह सत्याग्रह का आयोजन किया था। हम लोग का एक ही मांग है कि 19 जून को हमारे देश के प्रधानमंत्री नालंदा में जिस तरह से नालंदा यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया, उसी तरह हम भागलपुर वासियों का एक ख्वाहिश है, एक इच्छा है कि हम लोगों के नालंदा के तर्ज पर विक्रमशिला के केंद्रीय विश्वविद्यालय का वो उद्घाटन करें और विक्रमशिला का डेवलपमेंट हो। हमारे सांसद भाई अजय मंडल ने प्रधानमंत्री से मिलकर उनको विक्रमशिला आने का निमंत्रण दिया है। डॉक्टर राजवर्धन आजाद मुख्यमंत्री से मिलकर पत्राचार किया है। हम अपने इस मंच से सबको साधुवाद देते हैं। गंगा स्नान करने भागलपुर गए पसराहा निवासी सुबोध कुमार गंगा में डूब गए। काफी खोजबीन करने के बाद भी सुबोध का पता नहीं चल पाया। घटना के बाबत सुबोध के दोस्त राजेश ने बताया कि सुबोध अपने कुछ दोस्तों के साथ मायागंज स्थित मुसहरी घाट गंगा स्नान करने के लिए गया हुआ था। इस दौरान सुबोध गंगा में तैर रहा था। तैरते हुए सुबोध का संतुलन बिगड़ गया और सुबोध डूबने लगा। राजेश ने यह भी बताया कि जब सुबोध डूब रहा था तो हम लोग उसको बचाने की कोशिश किए, लेकिन तब तक सुबोध डूब चुका था। इसके बाद घटना की सूचना स्थानीय बरारी पुलिस को दी, जिसके बाद बरारी पुलिस पहुंची और स्थानीय गोताखोरों की मदद से सुबोध की तलाश जारी है। हुआ था कि ऐसे गोसा को सीमा गंगा जी गया नहाने के लिए और नहाने बसते डूब गया। क्या नाम था उसका? सुबोध पसाहक है। यहाँ यहाँ काम करता है, कुड़ा पे काम करता है। आपका क्या था? वो तो ऐसे जैसे हम मालिक बने तो हमारे पास काम कर रहा था वो। मतलब आपके थ्रू वो काम कर रहा था जी। उसका परिवार फैमिली सबको पता चल गया? हाँ, सबको फोन कर दिया। क्या हुआ था? अरे नहाने गया था सर, नहाने गया था, तीन चार को लड़का था तो और सब डेंगिया पे था। आई एसकल्ले हेल गया तो उस साइड किनारे पहुँचने वाला था हाथ ऐसे ऐसे करने लगाना था। हम समझ गए कि डूब जाएगा। हम यहाँ से दौड़े, उसके सटते सटते लगभग 4-5 फीट बचा था, उतने देर में डूब गया। टेंगिया वाला लड़का सब बिस्तर रहा था, उसको सटते सटते भी डूब गया।
भागलपुर में ई रिक्शा ड्राइवर एसोसिएशन के द्वारा एक दिवसीय ड्राइवर प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। भागलपुर यातायात डीएसपी आशीष कुमार सिंह, ई रिक्शा चालक संघ के अध्यक्ष विशाल कुमार, संयोजक वंशीलाल कन्हैया, सचिव मोहम्मद जहांगीर के द्वारा सभी रिक्शा चालकों को प्रशिक्षण दिया गया। इस मौके पर यातायात डीएसपी आशीष कुमार सिंह ने कहा कि आज का प्रशिक्षण टोटो चालकों के लिए था। प्रायः देखा जाता है कि टोटो चालक यातायात के नियम का पालन नहीं करते और बैटरी को बचाने के लिए रात में लाइट का उपयोग नहीं करते। ऐसे आम नागरिकों से भी मेरी अपील है कि जो टोटो चालक रात में लाइट का प्रयोग नहीं करते वैसे टोटो पर सवारी ना करें। संघ के अध्यक्ष विशाल कुमार ने कहा कि आज सभी टोटो चालक को प्रशिक्षण दिया गया है और बहुत ऐसे टोटो चालक हैं जो आज के प्रशिक्षण में नहीं पहुंच पाए हैं। पुनः वैसे टोटो चालकों को हमारे संगठन द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये बैठक तो ई रिक्शा प्रशिक्षण के लिए कर रहे थे, इसमें हम लोग लंबी दूरी के लिए प्रस्ताव बना रहे थे। कुछ चालक यहाँ नहीं आ पाए इसके वजह से ये बैठक सफल नहीं हो पाया, मगर जितने भी चालक आए हैं उनको हमने ये मैसेज किया है कि आज के बैठक के बाद लंबी दूरी का प्रस्ताव डीएम साहब को दिया जाएगा। और डीएसपी साहब का कहना हुआ कि ये लोग रात में जो चलते हैं लाइट नहीं लगाते हैं, ये 70 मीटर दूरी का अनुपालन नहीं कर रहे हैं, जहां वहां जाम लगा रहे हैं, तो बिना कोडिंग के चलेंगे नहीं और कोडिंग करना अनिवार्य है। कुछ लोगों के द्वारा ये भ्रांति फैलाई जा रही है कि कोडिंग को बंद कर दिया जाएगा, इसके गुमराह में कुछ लोग उसके ड्राइवर उसके पक्ष में आ गए हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, बिना कोडिंग के रिक्शा परिचालन सड़कों पर नहीं होगा। मेरा इसमें चार चीज़ कहना है। एक तो रात्रि में टोटो चलाते हैं या कोई भी गाड़ी चलाता है, लेकिन टोटो छोटी गाड़ी है और ये पैसेंजर लेके चलते हैं, देखता हूँ मोटा मोटी आधा से ऊपर गाड़ी बिना लाइट का चलता है केवल बैटरी बचाने के लिए। और ये नहीं समझता उसमें चार आदमी है, चार घर का है, अपने भी चालक है, वो रिस्की है, कभी भी दुर्घटना हो सकती है, उसमें जोखिम हो सकता है। तो लाइट ज़रूर चलाएँ, बैटरी बचाने के चक्कर में आदमी के जान के साथ खिलवाड़ ना करें। दूसरा, गाड़ियों की संख्या बहुत है, जहाँ भी देखते हैं पैसेंजर रोकने के लिए, उतारने के लिए या चढ़ाने के लिए बीच रोड पे रोक देते हैं। ये बेसिक ज्ञान की कमी है। हमारे पास अगर जगह है 5 फीट और किनारे जाने का, किनारे और 5 फीट लगाएं, मेरा यही रिक्वेस्ट है। जहाँ पे आपको लगता है कि और हम किनारे हो सकते हैं, अपने मन में सोचे तो अपने आप किनारा हो जाए, तो रोड का समस्या यातायात का नहीं होगा। ये 2-3 बातें हैं। और कोडिंग जिसका नहीं हो पाया है, जो कुछ लोग नए गाड़ी लिए हैं या किसी कारण से नहीं करा पाए, कोडिंग करा लें। ऑफिस में फॉर्म भर के मंगवाए हैं, कुछ लोगों ने बाद में दिया है, उन लोगों का कोडिंग हुआ। आप समझिए इस बात को, 100 वर्ष पुराना रोड है, इसी रोड में चलना है। रोड की संख्या उतना ही चौड़ाई है, पॉपुलेशन उतना बड़ा है, रोड पे देख रहे हैं हॉकर्स की बहुत सारी दुकानें हैं, टोटो की संख्या आप देखिए 10,000 है, तो गाड़ी का रश है। उसमें कुछ होवे करेगा, शिकायत होगा, उनका शिकायत का समाधान जो हम लोग के पास आएगा राइट प्लेटफॉर्म पे, हम नहीं कर पाएंगे। तुम्हारे सीनियर पदाधिकारी हैं, सब बड़े पदाधिकारी बैठे हैं। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नया मशीन क्रिटिकूल, जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है, तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि
आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकते हैं और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। जीवन जागृति सोसाइटी के गंगा सहायता मित्रों ने शुक्रवार को बरारी पूल घाट पर स्नान करने आए 45 वर्षीय युवक को बचा लिया। युवक नवादा का रहने वाला बताया जा रहा है। आज वो सुबह जब गंगा स्नान कर रहा था तभी अचानक गहराई में चला गया और डूबने लगा, जिसके बाद जीवन जागृति सोसाइटी के गंगा दुर्घटना सहायता मित्र मुकेश महलदार ने उसे पीछे से दबाकर धक्का दिया और डूबने से बचा लिया। जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह भी वहां पहुंचे और सहायता मित्र को 1,000 रुपये पारितोषिक दिया। ज्ञात हो कि जीवन जागृति सोसाइटी द्वारा बरारी पुल घाट पर सहायता मित्र द्वारा पिछले 5 वर्षों से लोगों को डूबने से बचाया जा रहा है। डॉक्टर अजय कुमार सर है, वही हमको सम्मानित करता है, पैसा भी देता है, दुकान भी खोलने के लिए दिया है। आज भी हम उस पार से आए ड्यूटी करके तो देख रहे व्यक्ति डूब रहा है। मेरा परिवार बोला देखिए डूब रहा है, मतलब कपड़ा लगता फिर गए उसको पीछे से मारे, फिर आगे पकड़ के हाथ पकड़ के खींच लिया उसको। कहां का हुआ? था जगदेशपुर का। हम मोबाइल में जो है ना लिया है उसका फोटो भी, रिकॉर्डिंग भी किया है, मोबाइल में है। यहाँ पर हमें सूचना मिली मुकेश के द्वारा, जो यहाँ हम लोगों के टीम में बचाव टीम में है, गंगा में जो नहाने आते हैं वो डूब जाते हैं और ये लगभग 5 वर्षों से हम लोग कर रहे हैं। पहले भी डूबते थे लोग, डूब के फिर गोताखोर खोजते थे उनका डेड बॉडी, लेकिन अब उसकी जरूरत लगभग नहीं पड़ती है और मुश्किल से 5 साल में 2 आदमी डूब के मरे होंगे, बाकी सबको बचा लिया जाता है। तो ये मुकेश और उसके नेतृत्व में सारे टीम यहाँ लगातार कार्य करते हैं और हम लोग जीवन जागृति सोसाइटी के तहत हम लोग हर बार डूबने से बचाने के लिए हम लोग पहले 500 देते थे, अब 1,000 का। तो ये बहुत ही नेक कार्य कर रहा है और उम्मीद है कि इसी लगन से ये लोग आगे भी करते रहे। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह का योजना बनाकर हम लोग सरकार को दें कि इस तरह से यदि आदमी को डिप्यूट किया जाए वो अपना खुद काम करे, फुल टाइम नहीं, यदि पार्ट टाइम उसको किया जाए, सरकार कुछ समर्थन उसको दे, कुछ पारितोषिक दे, तो शायद ये हर गंगा घाट में संभव है और लोग की जान बचेगी। सरकार जो हर साल डूबने से मरने पर जो देती है मुआवजा, उस पैसे में सारे को पेमेंट भी हो जाएगा, तो जान भी बचेगी और अतिरिक्त भार भी सरकार पर नहीं बढ़ेगी। इस संबंध में हम लोग जल्द ही इससे संबंधित जो भी मिनिस्टर होंगे, जो भी अधिकारी होंगे, उनसे मिलकर। पीरपैंती प्रखंड स्तरीय खरीफ महाअभियान का आयोजन ई किसान भवन में किया गया। इस दौरान विभिन्न पंचायतों के प्रतिनिधि व अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया। बिहार विश्वविद्यालय से आए वैज्ञानिकों ने पौधा संरक्षण एवं आधुनिक फसलों की विस्तार पूर्वक रखरखाव की जानकारी दी। वहीं BDO अभिमन्यु कुमार, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी नीतीश कुमार, भाजपा सहकारिता जिला अध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह, किसान मोर्चा जिला प्रवक्ता शत्रुघ्न मिश्रा, गोपाल कृष्ण सिंह, रंजीत सरपंच, ज्योति देवी, मुखिया प्रतिनिधि महादेव मंडल, कुंदन कुमार यादव सहित अन्य लोग कार्यक्रम में उपस्थित थे। मारवाड़ी महिला समिति भागलपुर के द्वारा 2 दिवसीय प्रदर्शनी मेला का आयोजन 29 व 30 जून को किया जाएगा। यह प्रदर्शनी मेला में मुख्य रूप से आधुनिक सूट, लड्डू गोपाल की पोशाक, राखी बेडशीट एवं कई चीजों का स्टॉल लगाया जाएगा। इस प्रदर्शनी मेला को भव्य रूप देने के उद्देश्य से बच्चों के लिए भी कई प्रकार के खेल सामग्री, मनोरंजन के लिए गेम भी है। इस मेले को लेकर समिति के सदस्यों द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मीना अग्रवाल, अनु शर्मा, ज्योति खेतान, जूही केजरीवाल सहित समिति के कई लोग मौजूद थे। मारवाड़ी महिला समिति भागलपुर शाखा द्वारा आज आयोजित किए जाने वाले प्रदर्शनी मेला दिनांक 29 और 30 2024 से संबंधित जानकारी एवं तैयारी के संबंध में साझा करने के उद्देश्य से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि प्रदर्शनी मेला के माध्यम से लोगों को यह फायदा मिलता है कि लोग एक ही छत के नीचे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कई प्रकार की चीज़ों का वो देख सकते हैं एवं उनकी खरीदारी कर सकते हैं। समिति द्वारा आयोजित 2 दिवसीय प्रदर्शनी मेला, जिसमें सर्वप्रथम अपने शहर भागलपुर की सुप्रसिद्ध मंजूषा कला को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इससे जुड़े लोगों को निःशुल्क स्टॉल लगाया जा रहा है, ताकि विदेशों की तरह अपने देश में भी अपनी कला का प्रदर्शन हो और लोग अपने स्वदेशी मंजूषा कला को बचा सके एवं अपने समाज में भी इसे बढ़ावा दे सके।
प्रदर्शनी मेला में भागलपुर के अलावा धनबाद, चिकुंडा, देवघर, मुजफ्फरपुर आदि जगहों से भी स्टॉल लगाया जा रहा है। हमारी बहनों के द्वारा आधुनिक सूट, साड़ी, लड्डू गोपाल की पोशाक, राखी, गिफ्ट आइटम्स, बेडशीट, पर्स आदि अनेक चीजों को रखा गया है। प्रदर्शनी को भव्य रूप देने के लिए बच्चों के लिए कई प्रकार के खेल सामग्री, मनोरंजन के लिए हॉजी गेम्स और मुख्य आकर्षण के लिए लॉटरी सिस्टम भी रखा गया है। इसके अलावा इसमें चटपटी पकवान का भी स्टॉल लगाया जा रहा है ताकि महिलाएं एवं बच्चे भरपूर मजा ले सकें।